और हेमंत सोरेन से आज ईडी फिर से करेगी पूछताछ। बता दे आपको, भानु प्रताप और सोरेन को साथ बैठाकर पूछताछ करेगी ईडी। हेमंत सोरेन के दो करीबियों को भी बुला सकती है ईडी। बड़ी खबर इस वक्त की बता दे आपको, विनोद सिंह और अभिषेक पिंटू से भी हो सकती है पूछताछ। बड़ी खबर इस वक्त की बता दे आपको, विनोद सिंह और अभिषेक पिंटू से भी ईडी पूछताछ कर सकती है। दोनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ कर सकती है। हेमंत सोरेन से आज भी ईडी पूछताछ करेगी, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की बता दे आपको, भानु प्रताप और सोरेन को भी साथ बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। हेमंत सोरेन के दो करीबियों को भी बुला सकती है ईडी। विनोद सिंह और अभिषेक पिंटू को बुलाया जा सकता है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दे आपको, हेमंत सोरेन से आज ईडी फिर से पूछताछ करेगी। भानु प्रताप और सोरेन को साथ बिठाकर पूछताछ करेगी ईडी। हेमंत सोरेन के दो करीबियों को भी बुला सकती है ईडी। विनोद सिंह और अभिषेक पिंटू को भी बुलाकर पूछताछ कर सकती है ईडी। बड़ी खबर इस वक्त की बता दे आपको, आज फिर से एक बार ईडी हेमंत सोरेन से पूछताछ करेगी। भानु प्रताप और सोरेन को साथ बिठाकर पूछताछ की जा सकती है। हेमंत सोरेन के दो करीबियों को भी बुला सकती है ईडी। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता ओमशील जुड़ चुके हैं। ओमशील, आज फिर से हेमंत सोरेन से पूछताछ होने वाली है, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब उनके सहयोगी को और उनको एक साथ बिठाकर पूछताछ की जाएगी। बिल्कुल, और ये पूछताछ आज फिर से है। और आपको ये भी बता दूं कि जो भानु प्रताप हैं, वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सब इंस्पेक्टर थे। उन्होंने हेमंत सोरेन का नाम का खुलासा किया था। आपको याद होगा जब ईडी कार्रवाई कर रही थी, जब भानु प्रताप को पूछताछ के लिए बुलाया गया, तो जो 8.46 एकड़ की जमीन थी जिसके बारे में ईडी तलाश कर रही थी कि ये किसके नाम पर है, तो भानु प्रताप ही थे जिन्होंने कहा था कि ये जमीन बॉस की है। जब ईडी ने पूछा बॉस कौन है आपके, तब भानु प्रताप ने हेमंत सोरेन का नाम लिया था। अब उनके समक्ष, उनके साथ आमने सामने उनसे सवाल जवाब होनी है आज। हो सकता है अविनाश पिंटू को भी साथ बैठाया जाए। अविनाश पिंटू उनके प्रेस सलाहकार हैं और उनके सबसे करीबी माने जाते हैं, तो उनसे भी ईडी पहले भी पूछताछ कर चुकी है। और अभी इन तीनों को बैठा के सवाल जवाब हो सकते हैं। अब इस सवाल जवाब में क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जिस दिन इन्होंने बहुमत साबित किया और उसके बाद कल इनकी कोर्ट में पेशी भी थी, 5 दिनों का रिमांड मिला था इन्हें, उसके बाद 5 दिन कल खत्म हुए थे। उसके बाद बहरहाल फिर से 5 दिनों का रिमांड मिल गया, पर कोर्ट से निकलते वक्त जो उनके वकील थे, हेमंत सोरेन के जो वकील थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि जहां पर हेमंत सोरेन को रखा गया है वहां पर हवा आने की जगह नहीं है, वेंटिलेशन का जगह नहीं है, उन्हें अंधेरे में रखा गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें भी कोर्ट के समक्ष रखी गई, लेकिन फिर भी 5 दिनों की रिमांड और बढ़ा दी गई है हेमंत सोरेन। लेकिन ओम, दो अन्य करीबियों से भी पूछताछ की बात सामने आ रही है, उनका क्या कुछ लिंक है इस केस से? देखिए, दो जो अन्य जो है उनके उनकी जो सामने आ रही है बात, भानु प्रताप और अविनाश पिंटू, तो ये दोनों से मिलके आमने सामने करा के उनसे सवाल जवाब होंगे। तो इन लोगों की संलिप्तता इस तरीके से है कि जो भानु प्रताप हैं वो सब इंस्पेक्टर थे रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, मतलब जो रजिस्ट्रार ऑफिस होता है उसके ये रेवेन्यू सब इंस्पेक्टर थे। तो जो जमीन के जो कागजात वगैरह होते हैं जिसमें धांधली हुई है, जो जमीन घोटाले में तमाम तरीके के जो धांधली हुई है, जिस तरीके का आरोप ईडी का है, तो उसको उसमें सब इंस्पेक्टर संलिप्त है। उनको गिरफ्तार भी किया जा चुका है और उनसे पूछताछ एक साथ करवाना, यानी जितने भी बिंदुओं पर ईडी को संशय है वो आज क्लियर होगा, ईडी क्लियर करेगी और अपने सवाल जवाब में वो सारी चीजों को पूछेगी और इससे जवाब मांगेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ओमशील, ज्यादा जानकारी के लिए। और 24 से 25 फरवरी को इंडिया गठबंधन की बैठक, बता दें आपको गठबंधन के नेताओं की बेंगलुरु में होगी बैठक। इंडिया गठबंधन के नेताओं को भेजा गया निमंत्रण। बड़ी खबर बता दें आपको, बैठक में आगे की रणनीति पर किया जाएगा मंथन। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, चंडीगढ़ हरियाणा सीएम मनोहर लाल की बैठक। बता दें आपको, बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम मनोहर लाल, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा मंथन।
शाम 4 बजे कैंप ऑफिस में गृह विभाग की बैठक, शाम 5 बजे परिवार पहचान पत्र को लेकर बैठक। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, शाम 6 बजे मुख्यमंत्री कैंप ऑफिस में बैठक, हरियाणा कौशल रोजगार निगम को लेकर होगी चर्चा। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, चंडीगढ़ हरियाणा सीएम मनोहर लाल की बैठक, बता दें आपको बीजेपी विधायकों के साथ बैठक करेंगे सीएम, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगा मंथन। और इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें आपको इंडिया गठबंधन की बैठक को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर, 24 से 25 फरवरी को इंडिया गठबंधन की बैठक है, गठबंधन के नेताओं की बेंगलुरु में ये बैठक होगी। इंडिया गठबंधन के नेताओं को निमंत्रण भेजा जा चुका है, बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, 24 से 25 फरवरी को इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, गठबंधन के नेताओं को बेंगलुरु में बुलाया जाएगा और सभी को निमंत्रण भी भेजा जा चुका है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको, बैठक में आगे की रणनीति पर मंथन किया जाएगा, बिखरता इंडिया गठबंधन जिसको समेटने की एक कोशिश की जाएगी। और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा कुछ ही देर में छत्तीसगढ़ पहुंच रही है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ ओडिशा बॉर्डर से होते हुए रायगढ़ जिले में प्रवेश करेगी। इस समय राहुल गांधी की न्याय यात्रा ओडिशा के झारसुगड़ा में है। बता दें कि वहां से रेंगापाली पहुंचने के बाद छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा शुरू करने के लिए झंडा का आदान प्रदान होगा, जिसके बाद अगले 5 दिन तक छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा जारी रहेगी। बता दें कि रेंगापाली में ध्वज फहराने के बाद राहुल गांधी आम सभा को संबोधित करेंगे। छत्तीसगढ़ में न्याय यात्रा 9 और 10 फरवरी को स्थगित रहेगी। बताया जा रहा है कि राहुल गांधी रायगढ़ से दिल्ली रवाना हो जाएंगे, इसके बाद 11 फरवरी को राहुल गांधी रायगढ़ वापस पहुंचेंगे, जहां से फिर से यात्रा शुरू होगी। 12 फरवरी को यात्रा कोरबा होते हुए सूरजपुर पहुंचेगी, 13 फरवरी को अंबिकापुर और वहां से बलरामपुर होते हुए उत्तर प्रदेश पहुंचेगी।